अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे इफ़ यू आर समवन जिसको मेकअप करना नहीं पसंद, उसके लिए ये बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत से लोगों को लंबे नाखून रखने का शौक है, लेकिन अगर इफ़ यू कांट टेक केयर ऑफ देम, अगर वो क्लीन नहीं है तो उनको छोटा कर लो, नेल्स को फाइल कर लो ताकि वो नीट लगें, और इस तरह जो होगा ना बड़ी एक क्लीनलीनेस जो होती है इंसान में आती है एंड इट लुक्स नीट और नाइस और हाइजीनिकली भी अच्छा होता है। यू गाइस कैन गो फॉर नेल पेंट एज वेल। सो द नेक्स्ट टिप इज़ कि अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखना है। इवन इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग मेकअप दैट्स फाइन, लेकिन जो स्किन है वो बहुत अच्छी लगनी चाहिए। अगर स्किन जो है वो क्लीन नहीं लगेगी, हाइड्रेटेड नहीं लगेगी और आपके फेस के ऊपर ड्राइनेस है, फ्लिकीनेस है, तो इट डजंट लुक गुड। ठीक है, अगले वाले पे इम्प्रेशन भी बहुत बुरा पड़ता है देखने वाले पे कि शी डजंट इवन टेक केयर ऑफ हर स्किन। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग मेकअप दैट्स टोटली फाइन, दैट्स योर प्रेफरेंस, लेकिन कोशिश करो कि अपनी स्किन का आप ख्याल रख रहे हो। इवन इफ़ यू आर इन स्कूल, यू आर इन कॉलेज और इन यूनिवर्सिटी, स्कूल की लड़कियाँ नहीं ख्याल रखती, बट प्लीज डू केयर ऑफ योर स्किन। जो लोशन मैं यूज़ कर रही हूँ इट्स फ्रॉम फाइव वेज, इट्स अराउंड 675 रुपीज और बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। दिस इज़ द SPF बाय लश ऑर्गेनिक्स, इट्स अराउंड 1200 रुपीज और ये बहुत ही अच्छा एक जेल फॉर्म का जो है ना SPF है, और ये भी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी कर देता है और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट। फिर आता है कि थोड़ा सा अपनी स्किन को ऊपर आप कलर ऐड कर लो ताकि बहुत ज़्यादा डल मत लगे आपकी स्किन, आपका फेस बहुत डल ना लगे। तो उसके लिए जो है ना आप लोगों ने कोई टिंट यूज़ कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने टिंट जो है नहीं यूज़ करना तो कोई भी लिपस्टिक हल्की सी अपने ब्रश के तौर के ऊपर आप लोग लगा सकते हो, यू कैन स्किप इट, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वरना स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा डल लगने लग जाती है। तो आई यूजुअली गो फॉर अ टिंट ऑन द बेयर स्किन। ठीक है, यही टिंट जो है ना आप लोग लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई फील लाइक कि टिंट को लिप्स पे लगाना ना बड़ा थोड़ा वियर्ड सा हो जाता है, वो लिप्स के ऊपर इतना थोड़ी कुछ आवर्स बाद ना इतना वो खूबसूरत वाला इफेक्ट नहीं आता जो फ्रेश फ्रेश लग के आता है। तो यू गाइज कैन ऑलवेज गो फॉर अ लिटल बिट ऑफ लिपस्टिक और उसको टिश्यू से रिमूव कर दो ताकि थोड़ा सा स्टेन जो है ना वो रह जाए। ठीक है, यू कैन ऑलवेज रिमूव इट, क्योंकि अगेन वी आर स्किपिंग मेकअप, टिंट इज नॉट मेकअप, इट्स जस्ट अ लिटल बिट ऑफ कलर टू गिव दैट अ फ्लश्ड लुक। ठीक है, आईब्राउज को जो है स्पूली से ब्रश कर लो ताकि वो भी नीट लगे एकदम, और उसके बाद जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेयर। आप लोग अपने बालों को हल्का फुल्का सा स्ट्रेट कर लो, ज़रूरी नहीं है कि सारे स्ट्रेट करो, मैं सिर्फ अपनी फ्लिक्स को सेट करती हूँ, हीट प्रोटेक्टेंट ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ ताकि मेरे बाल डैमेज ना हो। एंड इफ़ यू डोंट फील लाइक इट तो कोई पोनी टेल बना लो, कोई स्लीक्ड बन बना लो, देयर आर सो मैनी हेयर ट्यूटोरियल्स। ठीक है, कोई भी हेयर स्टाइल लो जिससे जो है आपके बाल डैमेज ना हो और बाल बिल्कुल नीट लगें। यू कैन ऑल्सो यूज अ हेयर सीरम जिससे आप लोगों का फ्रिज वगैरह जो है वो कम हो जाए। मेक श्योर कि आप अपने बालों को अच्छे से कॉम कर रहे हो, ठीक है, और बाल जो हैं नीट लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों की स्किन भी अच्छी लग रही है और फर्ज करो आप लोग मेकअप भी करते हो और बाल अच्छे नहीं लग रहे तो सारी लुक ख़राब हो जाती है अगर बाल अच्छे ना लग। अगेन मैंने कोई मेकअप नहीं किया, सिर्फ हल्का सा टिंट लगाया, यू गाइस कैन स्किप इट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डल हो जाता है वरना फेस। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग थोड़ी बहुत एक्सेसरीज पहन सकते हो ताकि आपके हाथ अच्छे लगें, मतलब आपकी सारी टेंशन आपके मुंह पे नहीं जा रही, अब आपकी टेंशन जो है इट्स गोइंग टू योर फिंगर्स, इट्स गोइंग टू योर ईयर्स, इट्स गोइंग टू योर इयर रिंग्स, सब लोग वो देखेंगे तो यू विल लुक प्रिटी, बिलीव मी, यू विल लुक मोर अट्रैक्टिव एंड मोर नाइस व्हेन यू वेयर दीज एक्सेसरीज, एकदम से एक डिफरेंस आ जाता है। फॉरगेट टू वेयर अ गुड सेंट, क्योंकि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, अक्सर जो होता है ना आपने जो सेंट वेयर किया होता है ना अगला बंदा जो है ना वो आपको उस सेंट से पहचानता है कि हाँ यार ये तो उसने लगाई थी। आई डोंट नो, इट हैज़ हैपन टू मी सो मैनी टाइम्स, सो आई बिलीव कि फ्रेगरेंस, अ गुड फ्रेगरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज वर द टिप्स दैट आई शेयर्ड विद यू ऑल, आई होप कि मेरी ये जो सारी टिप्स थी बहुत हेल्पफुल थी। बाकी ये कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। So, Allah Hafiz, bye-bye.